तो दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का अभी बेसिक से क्लियर नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आपका बेस मजबूत है तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को भी आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो वीडियो आज के आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आपका बेस क्लियर है तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक बार फिर से रिविजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि इनके अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई या फिर किसी व्यक्ति का नाम, वो सब आपका सब्जेक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सब्जेक्ट के अंदर आता है। और देखिए, एक चीज और लिखी हुई है कि मैंने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, सबका स्ट्रक्चर ये ही रहेगा जो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको ही तोड़ मरोड़ कर इसका नेगेटिव बना दिया जाता है, इंटरोगेटिव बना दिया जाता है, या फिर दोनों का मिक्सर बना दिया जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो कहीं पर जब हमें इंटरोगेटिव बनाना पड़ता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाकर लिख देते हैं, कई बार इसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स लगा देते हैं। यानी कि जो मेन बात है वो ये है कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इसकी हेल्प से बन जाएंगे। तो ये इसका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है वो है आपकी वर्ब। यानी कि बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, जहां पर फर्स्ट फॉर्म लगनी है वहां पर थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और जहां पर सेकंड फॉर्म लगनी है वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखने की जरूरत है कि यहां पर देखिए, मैंने वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो तीन ही होती है, आपने दो एक्स्ट्रा कहां से जोड़ दी। तो देखिए भाई, इसमें फोर्थ और फिफ्थ भी होती है। ये जो आप पढ़ते हैं ना, गोइंग, डूइंग, ईटिंग, ये सब आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती हैं। और गोज, डज, ईट्स, यानी कि आप जब वर्ब के साथ एस लगाते हैं, एस या ई एस, वो आपकी फिफ्थ फॉर्म में आती है। और जब आप वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं वो आपकी फोर्थ फॉर्म में आती है। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। बाकी हमने अब तक यही पढ़ा है कि गो, वेंट, गोन, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। तो आप जो कंटिन्यूअस में पढ़ते हो, गो के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वो फोर्थ फॉर्म होती है। अब चाहे वर्ब के साथ आई एन जी लिखो या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखो, आप समझ जाओगे जिसको फोर्थ फॉर्म के बारे में पता है, फिफ्थ फॉर्म के बारे में पता है। तो ये सब भी आपको याद होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, वर्ब फर्स्ट, इसके नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ये सब आपकी प्रेजेंट में यूज होती हैं। 99% बोल रहा हूं मैं, 100% नहीं बोल रहा, यानी कि ज्यादातर, मोस्टली ये आपकी प्रेजेंट में ही यूज होंगी। प्रेजेंट का और कोई फ्यूचर का कोई सेंटेंस होगा वहां पर। नेक्स्ट है वर्ब सेकंड फॉर्म, ये आपकी पास्ट में यूज होती हैं। जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट में यूज होगी। और पास्ट में आपको पता है ना, टेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर लगती है? पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में। तो जितनी भी सेकंड फॉर्म है आज तक आपने पढ़ी है वो सब पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में यूज होंगी, और कहीं पर भी टेंसेज में आपकी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में ही लगती है। तो जब भी आपको डिड दिखे तो समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है परफेक्ट। ये परफेक्ट मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये ज्यादातर आपकी परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म यदि है तो यूज होगी परफेक्ट में। और हाँ, एक चीज और याद रखनी है, जब भी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव दिखाई दे, क्या हैव, मॉडल वर्ब के साथ हैव, जैसे कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तो इनके साथ हैव है। और जब भी इनके साथ अब आपको वर्ब लगानी है तो हमेशा दिमाग में याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव दिखाई दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब भी परफेक्ट टेंस आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये सी ओ एन टी आई मैंने इसलिए लिखा है कि ये कंटिन्यूअस है और पूरा यहां पर आता नहीं, इसलिए मैंने डैश डैश कर दिया है। तो कंटिन्यूअस टेंस होता है जहां पर, यानी कि जहां पर कंटिन्यूटी की बात होती है, किसी काम को रेगुलर चलने की बात होती है, या फिर किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो कि रेगुलर चल रहा है,
वहां पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, यानी कि गोइंग, डूइंग, ईटिंग, इस तरह से, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म किससे रिलेटेड है, यह है कंटिन्यूटी से रिलेट, कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, जैसे कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, इस तरह से। अब है लास्ट आपकी फिफ्थ फॉर्म, जो कि प्रेजेंट में यूज होती है। अब देखिए ये कहां पर यूज होती है, ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये आपकी 99% किस में यूज होगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जब भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब वो कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट। आप देखते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ओ एस या ई एस हम लगाते हैं, तो एस या ई एस जो लगते हैं ना वो ये फॉर्म होती है फिफ्थ, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये चार्ट आपका कुछ कुछ क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आपको सभी वर्ब की फॉर्म्स को याद रखना है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। अब देखिए जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ मैंने बोली है, जो भी वर्ब मैंने बोली है, जो भी कार्य मैंने बोला है, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म क्या क्या है, ये सब आपको याद होनी चाहिए, तभी आप फ्लुएंटली बोल पाओगे। अब यहाँ पर देखिए हम इन सबको अच्छे से देखेंगे कि ये होते क्या है आखिर। देखिए सबसे पहला है सब्जेक्ट, बहुत से बच्चों को तो सब्जेक्ट ही नहीं पता चलता, पूरे सेंटेंस को बोल जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ो, वाक्य में काम को करने वाला, क्या, वाक्य में काम को करने वाला। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, अब उस वाक्य में यदि कोई काम है, आपने कोई काम के बारे में बोला है, अब जो उस काम को करेगा वो ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि सीता घर जा रही है, ये पूरा एक सेंटेंस है, सीता घर जा रही है। अब यहां पर घर जाने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है ना, तो सीता ही आपकी सब्जेक्ट है। तो कैसे बोलोगे, सीता इज गोइंग होम, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। जिनको टेंसेज आते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इज एम आर कहां पर यूज होते हैं, इज एम आर यूज होते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो यदि आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आपको यूट्यूब पर सिंपली सर्च मारना है टेंसेज बाय चिंटू सर, या फिर टेंसेज बाय इंग्लिश विद चिंटू, हमारे चैनल का नाम लिख देना है, और आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपको देख लेनी है सबसे पहले, और उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेज है अच्छे से करवाए हुए हैं, तो देख लेना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि मुझे याद रहा तो। नेक्स्ट है वह खेलता है, वह खेलता है। अब खेलने का काम कौन करता है, वह कौन है, सब्जेक्ट, तो ही प्लेज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस। देखिए देखिए एक चीज और देखिए, यहां पर लिखा हुआ है प्लेज एस या ई एस, तो यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा 99% वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो यहां पर क्या है, ही प्लेज। नेक्स्ट देखिए, राहुल जा चुका है, राहुल जा चुका है। अब जाने का काम किसने किया है, राहुल ने, तो काम को करने वाला कौन है, राहुल, तो राहुल क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो कैसे बोलोगे, राहुल हैज गॉन, राहुल जा चुका है। अब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट को याद रखना है, काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, आप अब तक आपने पढ़ तो लिया कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन काम क्या करती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें बताती हैं समय और सब्जेक्ट के बारे में। समय के बारे में तो हमें ये बताती हैं कि ये कार्य कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद है वर्ब गोइंग, उसके बाद है होम ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर जो सीता है वो सब्जेक्ट है, इज, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये मान लीजिए हिंदी के सेंटेंस को ढक दीजिए, अब यहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब यदि यहां से ये इज को गायब कर दें तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है, क्योंकि इज से ही मुझे ये पता चला है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट में यूज होते हैं। और यदि यहां पर वाज होता तो मुझे पता चल जाता कि ये सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि पास्ट के बारे में बात की जा रही है। तो हमें क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब समय के बारे में बताती हैं, और एक चीज और बताती हैं सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट। अब देखिए पीछे
सीता घर जा रही है, इसमें सब्जेक्ट है सीता। अब यहाँ पर जो इज है ये किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के, यानी कि जब एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तब हमने सीता का यूज किया। गलती से हम इज की जगह एम लगा दें, आर लगा दें, तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंस तो निकल जाएगा लेकिन सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आर यूज होता है जब दो या दो से अधिक पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, तब आपको आर का यूज करना है इस तरह से। अब देखिए नीचे राहुल जा चुका है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल हैज गॉन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हैज है ये हमें राहुल के बारे में बताता है, यानी कि राहुल एक है ये बताता है। यदि यहाँ पर हैव होता तो हमें पता होता कि दो व्यक्ति या फिर दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर देखते हैं, पापा घर पहुंच गए हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में हमें कैसे पता चला, समय क्या है गए हैं, यानी कि काम खत्म हो गया है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट में हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बोलेंगे पापा हैज रीच्ड होम, पापा घर पहुंच गए हैं, इस तरह से। समझ में आ गया। नेक्स्ट है वह खाना खा लेगा, खाना खा लेगा, खाना खा नहीं रहा है, खाना खाया नहीं है, अभी खा लेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बहुत बात हो रही है। आपकी मम्मी बोल रही है उसे तुम मत बनाओ, वह अपना आप खाना खा लेगा, यानी कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, एक दो मिनट में, एक आध घंटे में अपना आप खाना खा लेगा। तो बोलेंगे ही विल ईट फूड, यानी कि वह खाना खा लेगा या फिर वह खाना खाएगा, जो भी आपको बोलना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो विल है इससे हमें पता चल गया इस वाक्य का समय, कि ये फ्यूचर के बारे में बताया गया है। हैज, हैज से हमें ये पता चल गया कि ये काम खत्म हो चुका है। अब है जैसे हमें एक चीज और पता पड़ गई कि जो सब्जेक्ट वो क्या है, विल से भी पता पड़ गया कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जो विल है वो सबके साथ यूज होगा, चाहे ही हो या सी हो या यू हो या आई हो, कुछ भी हो सबके साथ यूज होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, सर आप सेल के बारे में नहीं बताते हैं, तो देखिए सेल का यूज अब बिल्कुल खत्म हो गया है, सेल का यूज कोई भी नहीं करता है टेंसेज में, तो सबके साथ आपको विल ही लगा देना है। ये तो आप सबके लिए एक अच्छी बात है कि अब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा भाई कहाँ पर सेल लगाऊं। सेल का यूज अब करते हैं लेकिन मॉडल वर्ब की तरह करते हैं, जब आपको मॉडल वर्ब सिखाएंगे तब आपको सेल के बारे में जरूर बताएंगे। तुमने उससे पूछा, तुमने उससे पूछा। अब यहां पर देखिए ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है पास्ट के बारे में। अब देखिए यहां पर जो अंडरलाइन है वो है पूछा, यानी कि पास्ट अपना पता चल रहा है, तुमने उससे पूछा, यानी कि तुम उससे मिलकर आए थे और तुमने उससे पूछा या नहीं पूछा, ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं, तो मतलब हम पास्ट के बारे में बोल रहे हैं। अब जब पास्ट आ गया तो डिड आ गया, तो बोलेंगे डिड यू आस्क, क्या तुमने पूछा, डिड यू आस्क, तुमने पूछा, इस तरह से। तो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप परचेज कर लीजिए। और एक बात और, यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आपका इंतजार कर रही है। एक एक टॉपिक इसमें कवर कराया गया है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामर ही नहीं वोकैब भी इसमें कंप्लीट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब देखिए क्या है, वर्ब का मतलब है जो काम सब्जेक्ट करता है, यानी कि वर्ब का मतलब होता है कार्य, काम, जो काम सब्जेक्ट करता है या जो कार्य सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट के द्वारा वाक्य में जो भी काम किया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है, ये बात आपको पता होगी। तो एग्जांपल देखिए, राम दूध बेच रहा है, तो अंडरलाइन क्या है, बेचना, तो राम दूध बेचने का काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, दूध बेचने का काम कर रहा है। अब काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, और राम किस काम को कर रहा है, बेचने वाले को, तो बेचना क्या है यहां पर, वर्ब। तो कैसे बोलोगे, राम इज सेलिंग मिल्क, राम इज सेलिंग मिल्क, राम दूध बेच रहा है। तो सेलिंग यहां पर क्या है, सेलिंग है यहां पर आपका बेचना। अब यहां पर सेलिंग आपकी वर्ब हो गई, क्योंकि जो काम सब्जेक्ट करेगा वो वर्ब कहलाएगा। अब ये मिल्क, ये हम आगे देखेंगे मिल्क क्या है, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और सेलिंग आपकी वर्ब है। वह बगीचे में खेलता है, वह बगीचे में खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन। कैसे, देखिए यहां पर जो खेलना है ये है आपकी वर्ब। अब प्लेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आती है हमेशा, और इसके बाद आपको क्या है, यहां पर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने लगाई नहीं है। टेंस किसका है, प्रेजेंट का, इंडेफिनेट। राहुल स्कूल जा चुका है, जा चुका है मतलब काम उसने कर दिया है, स्कूल जाने का, निकल चुका है यहां से, तो बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल। अब यहां पर देखिए ये जो गॉन है ये क्या है, वर्ब है, यानी कि जाना, इस तरह से आपको वर्ब को समझना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस पर सब्जेक्ट काम करता है।
जिस पर सब्जेक्ट काम करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी वस्तु जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जो वस्तु है ये आपकी जो वर्ब है उससे भी प्रभावित होती है। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना ये वर्ब से भी जुड़ा होता है। जो कार्य होता है ना वर्ब वाला, जो वर्ब का कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, करने वाला होता है सब्जेक्ट। देखिए राम दूध बेच रहा है। अब राम क्या बेच रहा है? राम बेच रहा है दूध। अब दूध क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि राम के द्वारा जिस पर कार्य किया गया, कार्य क्या किया गया? बेचने का। बेचने का कार्य किस पर किया गया? दूध पर। तो दूध है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए राम है सब्जेक्ट, राम ने जिस पर कार्य किया। अब कार्य क्या किया पहले ये देखिए, राम ने कार्य किया बेचने का। अब ये बेचने का कार्य किस पर किया? मैंने बोला था ना राम ने जिस पर कार्य किया। अब राम ने कार्य किस पर किया? दूध पर। क्या कार्य किया? बेचने का। तो राम दूध बेच रहा है तो बोलेंगे राम इज सेलिंग मिल्क। तो दूध आपका हो गया ऑब्जेक्ट। वह बगीचे में खेलता है। अब खेलने का काम किसने किया है? वह यानी कि उसने कार्य किया है खेलने का। किस में किया है? बगीचे में। तो ही प्लेज इन द गार्डन, तो मतलब वह बगीचे में खेलता है। तो बगीचा है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश में लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट, आप आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन हिंदी में पहचानना आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। राहुल स्कूल जा चुका है। राहुल के द्वारा क्या कार्य किया गया है? जाने का। अब जाने का कार्य किस पर किया गया है? स्कूल पर। यानी कि स्कूल जाने का कार्य किया गया है। तो स्कूल क्या है? स्कूल है आपका ऑब्जेक्ट। तो राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, और ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।